हेलो नमस्कार आदाप मैं आपका दोस्त सौरभ गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूपी संगम भाई शुरू हो चुका है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के मैथ के रोज एक सेक्शन का डिस्कशन आज से तो भाई तैयार हो जाइए और जो जो आ चुका है भाई आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सवेरे वाली क्लास में भाई जितने लोग आ चुके हैं एक बार जरा अटेंडेंस लगाएंगे आ चुके हैं दिलीप अतुल राम नरेश सागर आप सभी लोगों का भाई आज की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है तो भाई जैसा कि आपसे वादा किया था पेट को लेकर के जितना भी सिलेबस था ऑलरेडी कंप्लीट कराया गया था और आज से हम लोग पेट के जैसे ही पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यानी कि पूरा पेट के 25 क्वेश्चन पांच क्वेश्चन मैथ और 20 क्वेश्चन डीआई आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं और उसी क्रम में सबसे पहला भैया ये तो अब आप लोगों को बता ही दिया था कि अब अपने टीचर को जानिए जो आपको पढ़ा रहा है और उसके बाद में अच्छा आज एक बढ़िया सा क्व लगाया हुआ है कि कई बच्चे कहते हैं कि चीजें मुश्किल हैं तो बेटा एक चीज याद रख लेना ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे आर इजी मतलब हर चीज आसान होने से पहले कठिन ही तो होती है मैथ पहले कठिन ही तो थी हमने निरंतर प्रयास और अभ्यास से उसको आसान बनाया ना तो इसीलिए कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी आसान या कुछ भी कठिन नहीं है जो चीज आसान है आज वो कल कठिन थी कल चंद्र पर चंद्रमा पर पहुंचना कठिन था आज आसान है आज मंगल पर पहुंचना कठिन है हो सकता है कि कल वो आसान हो जाए है ना भाई चलो इन्हीं बातों के साथ आज की अपनी पहली सवाल पहला सवाल आपके सामने रखते हैं और आपसे पूछते हैं बेटा यहां पर मैंने जितना पढ़ाया था अब उसका रिवीजन है बेटा गुड मॉर्निंग आलो बेटा ब्रह्मा कौशिक मानवेंद्र चलो भाई सभी लोग आ चुके हैं ठीक है चलो भाई रिविजन है और रिविजन में मेरे उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया करोगे पहले सवाल का आंसर बताइए साथ ही साथ बच्चों जल्दी से पहले का आंसर बता दो कि यदि संख्या सेवन ए आज डीआई भी बढ़िया बहुत बढ़िया वाली लाए आप लोगों के लिए भी देखिएगा है ना अभी डी भी आप लोगों को अच्छी वाली दिखाएंगे नौ से विभाज्य हो तो ए प्लस बी का मान कई लोगों को तो यह मान याद भी होगा है ना उम्मीद है मुझे कि शायद याद भी होगा बेटा संख्या क्या होती है सर यह होता है कि अंकों के अंकों का योग अगर नौ से विभाजित हो जाए तो संख्या नौ से विभाजित होती है यही होता है ना भाई तो सर एक काम करते हैं ए प्लस बी को भी आएगा लेकिन उससे पहले बाकी नंबर देख लेते हैं सात पांच बारह छह, अठारह चार बाईस और दो चौबीस चौबीस सर जी अब सर चौबीस के बाद चौबीस के बाद जो अगला नंबर है वो है सत्ताईस जो नौ से विभाजित होता है जो नौ से विभाजित होता है सर वो सत्ताईस है और सत्ताईस का मतलब सर ए प्लस बी का मान हमको तीन ही तो रखना पड़ेगा जो सबसे छोटी वैल्यू सर जी हम रखेंगे वो ए प्लस बी की तीन रख सकते हैं बड़ी वैल्यू तो और भी आ सकती है बोलो बेटा साथ बात समझ में आया क्या क्या सर जी आंसर स्थ्री बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत, बहुत जानदार शानदार बढ़िया भाई बढ़िया 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 इसमें भाई किसी पर कोई भी उंगली उठा ही नहीं सकता आपके सवाल पर आगे बढ़ते पांच सवाल बीस डीआई, ये चलेगा अब से निरंतर पहला सवाल अच्छा दूसरा सवाल क्या है पांच अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका प्रथम अंक नौ और तीसरा अंक छह है लेकिन तीन से विभाज्य नहीं है इस सवाल पे मुझे भी परेशानी है ये कैसे दे दिया क्योंकि भाई डिविजिबिलिटी आपके सिलेबस में है नहीं डिविजिबिलिटी बेटा आपके सिलेबस में है नहीं तो मैं काम करता हूं आप वाकई में बेटा ये विभाजित वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में बच्चा नहीं है ये होमवर्क दे दें होमवर्क दे दें दे। वैसे इसका आंसर मुझे पता है ठीक है उसका आंसर बेटा मुझे पता है ठीक है अगर तुम लोग कहोगे तो मैं बता दूंगा बट बत ये अभी पेट के लिए आउट ऑफ सिलेबस की बात है अगर बताओ तो मैं अगले क्वेश्चन पर जाऊं वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूं एक बार ट्राई करो अच्छा सवाल है ये इसको बेटा ट्राई करना वैसे पेट में डिविजिबिलिटी नहीं है इस वजह से मैं इसको नहीं करा रहा हूं बेटा इसका आंसर 666 आएगा ठीक है इसका आंसर बेटा 666 आएगा एक बार ट्राई करना हां हां कौशिक बेटा तुम जो दिमाग लगा रहे हो बिल्कुल वही वही बात है इस सवाल में ठीक है सवाल नंबर तीन लगाओ सवाल नंबर तीन लगाओ बेटा क्या है अगर टाइम मिलेगा क्लास के आखिरी में मैं करा दूंगा डोंट वरी मैं करा दूंगा ये मेरी जिम्मेदारी है ठीक है कल क्वेश्चन आए थे कहां पर अच्छा ये आया था कोई बात नहीं दस हजार पांच सौ में गुड़न खंडों की कुल संख्या बेटा ये बताओ मैं बाकी का भी वो बता दूंगा मैं बेटा टेंशन मत लेना ठीक है है बोला है तीन से अरे बेटा वो नंबर है ब्रह्म बाबू हाउ हाँ मेनी फाइव डिजिट नंबर बेटा, कितनी संख्याएं हैं जो तीन से होंगी ठीक है चलो वो नंबर नहीं है चलो दस हजार पांच सौ का आंसर बताओ ठीक है बिल्कुल भाई बिल्कुल नई नई क्लास है दस हजार पांच सौ के गुणन की संख्या ठीक है ठीक है देखो बेटा दस हजार पांच सौ के गुणनखंड के लिए बेटा सबसे पहले हमको इसका क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा ठीक है ठीक है किससे डिवाइड करेंगे सर पहले दो से जाएगा देखो बेटा जिनको नहीं आता है एक बार देख लो अभी जब तक ये दो से जाएगा इसको दो से भेजेंगे अच्छा उसके आगे क्या है सर उसके आगे दो के बाद में हम तीन देख लेंगे ठीक है ठीक है तीन से करते हैं चौबीस तीन सतन पच्चीस पंद्रह ठीक है सर जी अब सर पांच से जाएगा पांच एक मैथ थोड़ी कमजोर है आप लोगों के भरोसे चल रही है गाड़ी ठीक है पांच पंद्रह पचम पच्चीस भाई बता देना अगर मैं गलत करूं ठीक है ये बताओ मैंने सही किया कि नहीं किया गुणन खंडो की संख्या के लिए सबसे पहले बेटा नंबरों को हमको इस तरह फैक्टर में करना पड़ता है एक बात हो गई एक बात हो गई इस बात में कोई परेशानी नहीं किसी को यहां किसी को कोई परेशानी नहीं मैंने सही किया है ना अंकुर बेटा तुम्हारी पहली क्लास है ना तो अच्छे से करो हम रोज नहीं क्लास करते हैं परेशान मत हो बढ़िया बात अच्छा सर फिर क्या लिखा है सर दो की पावर दो लिखा है इंटू तीन की पावर एक लिखा है सर पांच सर तीन बार है और सात सर जी एक बार है ठीक है अब नंबर ऑफ फैक्टर का खेल कहां शुरू होता है बेटा देखना नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों की संख्या बड़ा आसान है जिनको आता है बेटा वो बढ़िया और जिनको नहीं आता है बस केवल एक ध्यान देना कि बेटा इन नीचे वाले नंबरों से हमें कोई लेना देना है ही नहीं ये नीचे जो नंबर है हमको इनकी पावर से मतलब है क्या करना है बच्चा इन सभी की पावर में सर एक एक जोड़ देना सभी पावर में हमें क्या करना है एक एक जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना बिल्कुल 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 मतलब क्या सर जी सर दो प्लस एक पहली वाली आ गई एक प्लस एक ये तीन के ऊपर वाली आ गई तीन प्लस एक ये पांच के ऊपर वाली आ गई और एक प्लस एक सर जी ये सात के ऊपर वाली आ गई सबको कर देते हैं सर दो एक तीन गुड़े दो गुड़े चार गुड़े दो तीन छे चौक चौबीस दुनिया सर जी आंसर इज फोर्टी एट क्या बताओ बेटा जितने लोग देख रहे हो उनको गुणनखंड की संख्या समझ में आई बेटा मंडे को थोड़ा सा परेशानी हो गई थी तो हम नहीं आ पाए थे एक्चुअली नवरात्र का बेटा पहला व्रत था मुझे पता नहीं था पहले मैं थोड़ी व्यवस्था में लग गई इस वजह से हम पहुंच नहीं पाए तो एक दिन माता रानी के नाम कर दिया मैंने क्लास इसीलिए बेटा आप लोगों की आ शेड्यूल कराई थी कभी कोई कंफ्यूजन हो ना तो क्लास का बच्चा शेड्यूल देख लिया करो है ना चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार चार देख लेते हैं ये लो बेटा एवरेज का बेटा ए, देखो पेपर आपके जो पांच मैथ में आएंगे बेटा तीन क्वेश्चन बेटा आपको नंबर सिस्टम से मिलेंगे एक क्वेश्चन बच्चा आपको एवरेज का मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको बेटा परसेंटेज का मिलेगा ये पांच क्वेश्चन आपको पिट में ऐसे ही मिलने वाले हैं बहुत बढ़िया मुझे बेटा बहुत अच्छे बहुत अच्छे ये है पांच क्वेश्चन तो तीन क्वेश्चन बेटा नंबर सिस्टम चले गए चौथा क्वेश्चन में एवरेज का आपके पास ले आया हूं है ना? चलो क्या है एक टीम के बारह खिलाड़ियों की औसत आयु पच्चीस वर्ष है बहुत बढ़िया भैया एवरेज तो जैसे आप लोगों को बेटा मैंने रटा ही दिया है बारह खिलाड़ियों की औसत आयु सर पच्चीस है अड़तीस क्यों लिख रहे हो सर जी पच्चीस लिखो क्या आंसर देख करके अड़तीस मैंने इधर लिख दिया हा यदि कप्तान की आयु को शामिल कर लिया जाए यानी कि सर जी हम 12 प्लस एक अगर कर देंगे तो सर औसत आयु 26 हो जाती है कप्तान की आयु बताना है सर जी तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है बच्चा जो सिखाया है वो करेंगे कप्तान किस गोले में है सर कप्तान गोला नंबर टू में है और यहां पर कप्तान सर 26 साल का दिख रहा है लेकिन होल्ड कप्तान के आने की वजह से कोई परिवर्तन हुआ है बिल्कुल सर इन बारह लोगों को सर देखा जाए तो एक एक का फायदा हुआ है यानी सर बारह गुड़े एक कप्तान ने इनको दिया था प्लस किया था सर वापस लेगा क्योंकि हमें पता करना है कि कप्तान अपने साथ कितना लाया था कप्तान अपने साथ अड़तीस लाया था क्या इसमें कोई परेशानी कोई दिक्कत है? है कोई दिक्कत है कोई परेशानी जल्दी बताओ नहीं है ना अगर है तो बताओ और नहीं है तो अच्छी बात है है ना है तो बताओ और नहीं है तो और ज्यादा अच्छी बात है बच्चे सभी लोग ठीक है ठीक है ठीक है पक्की वाली बात हो गई अच्छी वाली भी बात हो गई है ना चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए आगे लो बेटा परसेंटेज का सवाल जैसा आपने सोचा परसेंटेज पे आ गए हम लोग है ना परसेंटेज पर आ गए देखो क्या है बेटा आ, आर्मी बॉय एवरेज की बेटा मेरी पुरानी क्लासेस देख लो उसमें मैंने सब कुछ बताया है पांचों सवाल देखो बेटा क्या है किसी परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10 प्रतिशत कम मिले बी को सी की अपेक्षा प्रतिशत पच्चीस प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत अधिक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20 परसेंट कम अंक मिले और ए को अगर पांच में से दो मिले तो बेटा डी को कितने प्रतिशत अंक मिले यह है कहानी ये है सर जी कहानी तो क्या करेंगे बेटा बी सी और फिर बनाएंगे किसको हम डी अब कंपेयर जैसे जैसे कहा गया है आपको बिल्कुल वैसे ही कंपेयर करना है A को बी की अपेक्षा सर कंपेयर बी से कर रहे थे दस प्रतिशत कम मिला है बताना बेटा कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को यहां पर कोई क्या लिखा है ए को बी की अपेक्षा दस परसेंट कम हमने दे दिया अच्छा फिर क्या हुआ और फिर क्या हुआ बेटा बी को सी की अपेक्षा 25 प्रतिशत अधिक मिले यानी सी को सर जी अगर 100 मिले तो बी को सर जी 125 मिले केवल रेशियो बनाने का खेल है बेटा और सी को डी की अपेक्षा 20 परसेंट कम मिले यानी कि डी को अगर 100 मिले तो सर सी को केवल 80 मिले मुझे लगता है मैं जा ऐसा मानता हूं कि ये वाली कहानी में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी आओ भैया रमन जी आगे बेटा कोई परेशानी नहीं हुई होगी पक्का अब बेटा एक काम करो ये जीरो जो है सर सबकी कहानी में से निपट गया में से निपट गया जी सर में से जीरो भैया तो सर जी निपट गए अच्छा सर और कुछ देख लो कुछ जुगाड़ पानी कहीं कुछ हो पा रहा हो तो कर लो अब बेटा देख लेते हैं उसके बाद क्या है सर जी उसके बाद एक काम करो अभी अभी नहीं काटते एक काम करते अभी नहीं काटते थोड़ा सा होल्ड करते हैं बेटा ये सौ जहां खत्म हो रहा है यहां भी सौ आ जाएगा अब फिलिंदा ब्लैंक करते हैं मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं फिलिंदा ब्लैंक कर रहा हूं आप सबको आता होगा यहीं से तो हम लोग रेशियो निकालते थे बेटा हम क्या करेंगे हम ए और डी का रेशियो निकालेंगे फिर ए का अगर 270 मिले हैं उसके अकॉर्डिंग बेटा डी का नंबर पता चल जाएगा और फिर हम डी का परसेंटेज बता देंगे जो आप सब लोगों ने बेटा बहुत अच्छे से किया भी है बढ़िया बढ़िया तो सर सबसे पहले एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो दूसरा जीरो दूसरा जीरो ठीक है और दूसरा जीरो और सर दूसरा जीरो ठीक है सर फिर पच्चीस से काटेंगे अभी एक जीरो और है सर जी कहां है अब नहीं है पच्चीस पंचे पच्चीस पंचे पच्चीस चक्कू और पच्चीस चक्कू बेटा कट गया देखना रहना जहां आपको गलत लगे आप मुझे बताइएगा मैं सही करूंगा ठीक है ये जीरो जा चुका है सर पांच पांच ये कटेगा पांच एकम पांच छक्का तीस और सर जी ये आया बीस ठीक है और क्या कटेगा बेटा और कटेगा सर आठ कटेगा कैसे कटेगा सर आठ दहम अस्सी और 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 क्या कटेगा आठ दुन्नी सर सोलह और, और और चार और ये सर दस अब जो बचा है लिख लेते हैं बेटा यहां पर केवल नौ बचा यहां पर सर दस बचा यहां पर सर आठ बचा और यहां पर भी सर दस बचा ये आ गया रेशियो ये रेशियो आ गया भाई ये रेशियो सीधे सीधे काटने पर हमारे पास में आ गया अब देखो बेटा हमारे हिसाब से अगर सर एक को नौ नंबर मिलेंगे तो डी को सर जी दस नंबर मिलेंगे पक्की बात हो गई एक को सर जी अगर नौ नंबर मिलेंगे तो डी को दस नंबर मिलेंगे बट सर एक को नौ नहीं एक को मिले हैं सर दो सौ सत्तर यानी कि बेटा इसमें तीस से गुड़ा कराया गया है इससे तीस से गुड़ा कराया गया है तो सर इस रिश्ते से इस रिश्ते से दस को तीस से कराओगे सर जी तीन सौ आएगा बेटा समझो यहां हम डी के भी बता सकते हैं हम सी के भी नंबर बताएंगे हम आपको बी का भी नंबर बता सकते हैं लेकिन सवाल ने बेटा डी का पूछा था सर डी को तीन सौ नंबर मिले हैं डी को कितने मिले हैं बेटा तीन सौ तीन सौ कितने में से मिले हैं सर पांच में से मिले हैं क्या परसेंटेज बताने में किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या बेटा साठ परसेंट आएगा जल्दी से बताओ क्या इतना डिस्क्राइब करने के बाद आपको समझ में आया कि हमने कैसे ए से डी का रिश्ता कायम किया बताओ भाई जल्दी से बताओ एकदम बढ़िया से बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया ये रेशियो प्रपोर्शन में आपने बहुत बार पढ़ा है बेटा रेशियो वाले मेथड में क्लियर है साठ परसेंट है एक बार और बोल रहे हैं अब शेख यादव जी बेटा एक बार और करने के लिए कहानी क्या है मुझे ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा मिटा दू कोई दिक्कत तो है नहीं आंसर तो निकल आया है मैं एक बार और बताऊंगा सभी लोग कह रहे हैं एक बार और तो बेटा जनता की भारी डिमांड पर सवाल को मैं फिर यहां पर मिटा रहा हूं देखो बेटा यहां से तो बेटा समझ में आ गया होगा सबको कि सर ए को अगर नौ मिले हैं तो डी को दस मिले यहां वाला पोर्शन आ गया है आप सब परेशान हो कि नौ दस आठ और दस कैसे निकाला सर ने तो मैं आपको यह बताने जा रहा हूं आप लोगों के डिमांड मैंने कहा था ना बेटा ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है लेकिन जितना करना है वो आपको आना चाहिए तो फिर से देखो बेटा सबसे पहले क्या है सर पहले ए को पता है बी की अपेक्षा दस यानी सर अगर बी को सौ मिलेंगे तो ए को सर नब्बे मिलेगा इसमें ना आपको कोई परेशानी है ना हमको कोई परेशानी है पक्की बात हो गई अच्छा सर उसके बाद सवाल क्या कह रहा है फिर सवाल कह है सर बी को सी की अपेक्षा यानी सर सर अगर सी को सौ मिलेंगे तो बी को सर 125 मिलेंगे क्योंकि देखो 25 परसेंट ज्यादा इसमें हमको परेशानी है बेटा ना आपको परेशानी है अच्छा फिर सर सी को डी की अपेक्षा 20 परसेंट कम मिले यानी कि सर अगर डी को 100 मिले तो सर सी को केवल 80 मिले मैंने कहा अभी भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है अब बेटा इसका नियम यह होता है कि ये जितने भी प्लेस खाली होते हैं सामने के देखो ये प्लेस खाली है ना सबको भरा जाता है भरा कैसे जाएगा बेटा उनके बगल में जो नंबर है वो लिख दिया जाता है जैसे जैसे बेटा यहां पर देखो 125 खत्म हो रहा है तो यहां पर 125 आ जाएगा ये 80 खत्म हो रहा है तो ये दोनों सर यहां पर 80 80 आ जाएंगे उसी तरह सर यहां 100 खत्म हो रहा है तो ये भी 100 आ जाएगा और ये भी सौ आ जाएगा ये सर सौ है तो इसके सामने ये भी सौ आ जाएगा ये हमने सर फिलिंदा ब्लैंक कर लिया है ठीक है ठीक बेटा घातांक करने का सवाल मैं आपको संडे में ले लेता हूं एक दिन मैं संडे को ले लूंगा अभी पर डे आपको पेट का जो पेपर आता है मैं उस पर कराऊंगा ठीक है संडे को कराएंगे उसी बेटा चलो अब इसके बाद बेटा इसमें 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 इस जो जो कॉमन है काट दो जैसे बेटा एक दो जीरो मिले हमें सर दो जीरो हमें मिले दो जीरो यहां भी मिले दो जीरो इस कॉलम में मिले हमने दो जीरो काट दिए बच्चा पक्की बात है जहां परेशानी हो बताना बेटा ठीक है फिर क्या किया सर फिर हमने उठाया पच्चीस से, से काटा सर यहां पांच आया पच्चीस से काटा सर चार आया और पच्चीस से काटा सर जी चार आया कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं बड़े आराम से काट रहे हैं ठीक है अच्छा फिर फिर देखो बेटा सर चार से काटा चार से काटा सर चार धुनी किया और सर यहां पर भी चार धुन्नी किया जीरो तो जा चुका था बिल्कुल सही बात है और बताओ बेटा और सर बताते हैं पांच से काटिए सर पांच से काटे बिल्कुल काटिए पांच एकम पांच एकम सर पांच एकम पांच एककम, पांच छक्का तीस और सर ये पांच धुनी तीस बिल्कुल सही अभी भी कटेगा सर देखिए दो दो सर ये काट दीजिए दो एक कम दो यहां एक बचा सर ये देखिए यहां पर दस बचा सर ये यहां पर आठ बचा और यहां पर सर दस बचा यहां पर सर ऊपर कुछ नहीं है यहां पर सर ऊपर नौ था ये नौ ले लिए लिया कम नौ आएगा जो बचा है सबको मल्टीप्लाई कर दो सर यहाँ एक एक, एक सर दस बचा यहां पर सर आठ बचा और यहां पर दस मिला ये हमारे पास रेशियो आ गया बेटा इससे ज्यादा धीरे और अच्छे से नहीं समझाया जा, जा जाता इस सवाल को अब जैसे ही ए और डी का सर रेशियो आ गया एक दो सौ सत्तर तो डी के तीन सौ आए तीन सौ कितने में से बेटा परीक्षा तो वही थी तो पांच सौ ही तो मानेंगे ठीक है बताओ अब तो समझ में आ गया पक्की बात हो गई आ गया ना क्लियर हो गया करो डी आई डी आई भी लाए हैं बढ़िया वाली एकदम मस्त वाली ठीक है अच्छा ये थोड़ा सा साइड में लेना पड़ेगा क्योंकि वहां पर दिख नहीं रहा है आ जाओ भाई साइड में आ जाओ इतना साइड ठीक है इससे ज्यादा साइड भी ठीक नहीं है चलो चलो भाई जल्दी बताओ भाई मेरी क्लास में बस केवल आपको समझना है बाकी आपका काम कुछ नहीं है मैं जितना आपको समझा दूं बेटा और ना समझ में आप मुझे बता दो ये औरों से क्लास अलग होनी चाहिए यहां पर आपको बेटा कतई ऐसा ना लगे कि आपने अपनी कोई क्वेरी करी और सोल्यूशन नहीं मिला भर लेते हैं इस को बेटा भरना है और आंसर आना है तो जब कभी भी डीआई को करिएगा आपके पास जो भी रफ पेपर हो उसको जरूर उठाइएगा वहीं से सवाल सॉल्व होगा बेटा क्या है ओप्पो मोबाइल का विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ कितना है ओप्पो मोबाइल के बारे में बताया जाए ओप्पो मोबाइल के बारे में तुरंत बताया जाए एकदम फटाफट वाले तरीके से बताया जाए ओप्पो मोबाइल का प्रतिशत लाभ कितना है जी बताए हां भाई कितना है क्या है ओप्पो मोबाइल का विक्रय मूल्य ओप्पो ओपो 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 इज हियर सर बत्तीस हजार की चीज को सर चार हजार में अच्छा चार हजार का प्रॉफिट तो सर बेच तो इसको ये छत्तीस हजार रुपए में रहे हैं और ऑलमोस्ट छत्तीस हजार सर सब में दिया है ठीक है फायदा सर ले रहे हैं चार हजार का कहां से सर बत्तीस हजार से तो ये बेटा ये बत्तीस लिया है ठीक है बत्तीस लिखा है तो सर एक बटे आठ है परसेंटेज में साढ़े बारह होता है ऑप्शन नंबर ए सही होगा ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यह है आपकी शानदार व्यवस्था और इसी व्यवस्था के तहत सवाल नंबर सातवां आ गया पच्चीस क्वेश्चन गिन के कर लेंगे बेटा बहुत बढ़िया लल्ला आ गया आ गया वो बीबो का लाभ प्रतिशत क्या है यदि बीबो का क्रम नहीं होता है बेटा यह क्रय होता है ठीक है यदि का क्रय मूल्य एच टी सी एच मोबाइल के मूल्य का तीन बटा पांच है यानी कि सर पहले तो हमें एच के बारे में बताओ जब एच निकालोगे तो सर उस एच का तीन बटा पांच करेंगे तो बीबो आएगा और बताओ किसका आया और किसका नहीं आया बड़ा आसान है बेटा सवाल में पहले एच का तो क्रय मूल्य बताना पड़ेगा ना आओ सर दस परसेंट का फायदा लिया तो सेलिंग प्राइस इतना है सर एक सौ दस परसेंट बराबर तैतीस हजार है सर अच्छा तो हंड्रेड परसेंट बराबर बेटा कितना होगा कुछ नहीं सर तैतीस हजार को एक सौ दस से डिवाइड करिए और हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे कर दीजिए सर ग्यारह तीन तैतीस तो सर ये तीस हजार आ गया लो भाई क्रय मूल्य बेटा ये जितना भी भरते जाते हो ना हमेशा एक टेबल में लिख लिया करना सर अब एच का तीस आ गया बेटा अगर एस का तीस हजार है तो बीबो का कितना होगा सर सवाल बोल रहा है तीस हजार का तीन बटा पांच सर जी पांच तीस, बीबो सर अठारह कहा है? सर बीबो हो गया अठारह हजार का कितने का बेच रहे हो बेटा बाईस हजार का कर रहे हो तो लाभ कितना ले रहे हो सर लाभ ले रहे हैं चार हजार का ये भी चार हजार के लाभ में बेच रहे हैं क्यों भाई बहुत बढ़िया चार हजार का सर लाभ ले रहे हैं चार हजार का लाभ कहां से ले रहे हैं बेटा यही लिख लेते हैं अठारह हजार से इन टू हंड्रेड ये प्रॉफिट परसेंटेज होता है बचपन से पढ़ते ही आए हो दो दुनिया चार दो नौ आओ दो सौ बट्टा नौ यानी कि यानी कि नौ दुनिया अठारह नौ दुनिया अठारह बाईस सही दो बटे नौ प्रतिशत आया आ गया सभी का बहुत बढ़िया क्या सभी का आ गया बेटा आ गया तो अटेंडेंस अटेंडेंस लगाते जाएंगे कृपा करके अटेंडेंस लगाएं और जब समझ में ना आए तो कमेंट करें और नहीं तो बोले वह सर आगे बढ़े आगे बढ़े सवाल नंबर आठ को देखिए कौशिक बेटा क्या नहीं आया क्या नहीं आया कौशिक बेटा आए हाँ? तो अब बेटा कौशिक तुम्हारी शुरुआत अच्छी थी लेकिन अब मामला गड़बड़ हो रहा है बच्चा जरा फिर से देखो फिर से देखते हैं लाइफ मोबाइल का विक्रम मूल्य और लाभ प्रतिशत क्या है लाइफ मोबाइल सर लाइफ तो ये है इसमें देखो बेटा कुछ नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे हंड्रेड परसेंट सर इसके आगे कोई ना कोई हिंट दी गई होगी सवाल में आओ जरा उस हिंट की बात करते हैं यदि इस पर लाभ जो है मोटो मोबाइल की तुलना में पांच सौ रुपए जाता है मोटो कहां हो तुम मोटो पे बेटा लाभ कितना है सर मोटो पे पैंतीस सौ रुपए लाभ है तो सर इस पर लाभ चार हजार नहीं हो गया क्यों हो गया क्योंकि सवाल ने कहा है कि पांच सौ रुपए ज्यादा है।, है बिल्कुल ज्यादा है है अब बेटा की चीज में फायदा ले रहे हो क्या बेटा तुम इसको बत्तीस हजार में नहीं भेज रहे हो वैसे भी बेटा ये बत्तीस बत्तीस हजार हमको अपने आप ही आंसर दे देता ठीक है सर जी बिल्कुल सही है एक बेटा मैंने एक चीज बताई थी दिस परसेंटेज को आपको इसी क्लास में एक बहुत बढ़िया चीज बताई थी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को जैसे ये देखिए बेटा सात उन्नीस सात चौक अट्ठाईस सात चौक अट्ठाइस एक उन्तीस यहां नौ आएगा सात पचे पैंतीस दो सैंतीस सर यहां सात आएगा सात चौक अट्ठाईस दो तीस सर यहां जीरो आएगा मैंने आपको बताया था कि आंसर अगर यह सवाल भी हम पेपर में ना पढ़ते तो आंसर कौन सा सही होता तो बेटा मैंने बताया था मिक्स फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे जीरो मैं सवाल नहीं लगाऊं तो भी मैं यहां पर डी बता दूंगा आपको बेटा ये बताओ ये वाली बात जो मैंने बताई थी आप में से कितने लोगों को याद है जल्दी से बताओ बेटा काम की बातें याद रखो अपना बेटा पेपर में कभी कभी होगा कि क्वेश्चन लेट हो रहे होंगे हम सवाल नहीं पढ़ पा रहे होंगे हम ऑप्शन तो पढ़ पा रहे होंगे ना बताया था अगर मुझसे कोई पूछता बेटा मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मुझे लग गया सर चौदह सही दो बटे सात इज द राइट आंसर जैसे आठ सही एक बटे तीन मैंने बोला था ना बाकी लगा तो रहे ही है ना और लगा भी लेते हैं सर अट्ठाईस हजार पर चार हजार का फायदा मिला है परसेंटेज निकाल देते हैं बेटा मेरी क्लास करने के बाद मैं एक बात की तो जरूर गारंटी लेता हूं सवाल समझ में आए या ना आए लेकिन पेपर में आंसर तुम सही लगाओगे इस गारंटी के साथ मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा बताओ आया चौदह सही दो बटे तीन देखो बेटा सौ था कि नहीं था मैं वही बोल रहा हूं इधर जीरो और फाइव मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बेटा सही होते हैं ठीक है ना ठीक है ना मजा आया हो तो एक और अटेंडेंस लगा ही दो उसमें सवाल नंबर नौ पे आ जाते हैं जल्दी से आओ बेटा सवाल नंबर नौ क्या है एप्पल मोबाइल हाँ भाई पर अर्जित लाभ क्या है वो तो सीधा सीधा यार चौदह परसेंट का प्रॉफिट है तिरपन का बेटा चौदह अब देखो हर चीज में बेटा अब मेरा मेथड को केवल देखो मैं कर क्या रहा हूं सर जीरो तो हट जाएगा लास्ट में सर जीरो आएगा बिल्कुल सही बात है सर लास्ट में जीरो आएगा और चार तीन बारह उसके बाद दो आएगा ऑप्शन सी इज ओनली द आंसर बेटा पेपर में अब ये आसान दे करके तुम यहां किनारे ऐसे करोगे 530 सौ तीस गुड़े चौदह अब भैया चौदह का पहाड़ा पढ़ लो तब भी गनीमत है लेकिन हमारे प्रिय छात्र पहले चार से करेंगे चार तीन बारह दो हासिल भी लगाएंगे भले रफ कर रहे हो लेकिन हासिल जरूर लगाएंगे चार पंचे बीस और एक इक्कीस ऐसा लिखेंगे फिर यो करेंगे फिर है एक से भी करेंगे सर जीरो तीन पांच और फिर लाइन खींचेंगे जीरो दो तीन एक चार पांच दो सात ऐसे नीचे वाली लाइन तो जरूर खींचेंगे और फिर कहेंगे सात हजार चार सौ बीस इज द राइट आंसर सर जी पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था सवाल हमारे अंदर छूट गए जो हमको आते थे मतलब मजे की बात वहां पर यह है कि जो सवाल पेपर में छूटता है वो सबको आता है क्योंकि घर आकर के पेपर में सवाल आसान हो ही जाता है ठीक है मजाक नहीं उड़ा रहे बेटा मैं बता रहा हूं मैं रोज आपको बेटा टेक्निक बता रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने की मैंने क्या किया कुछ भी तो नहीं इसका अब यहां नहीं करना है तिरपन गुड़े चार किया जीरो जीरो हट गया सर बीच में एक जीरो आएगा चार से चार तीन बारह उसके बाद दो आएगा उठाया सर एक ही ऑप्शन था लगाओ आगे बढ़ो है ना दसवां सवाल ठीक है ठीक ना बेटा मैं भेजती नहीं कर रहा हूं मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें बेटा जितने लोग भी मेरी क्लास देखते हो कम से कम मैथ में बेटा अगर 25 क्वेश्चन सही आए तो 25 करके आना है आपको सिलेक्शन हो ना हो ये आगे की बात है लेकिन अगर मैंने मैथ बेटा ईमानदारी से पढ़ाई है तो 25 के 25 तो मैं चाहूंगा और मैं दिलवा के रहूंगा मैं पीछे पड़ जाऊंगा मैं आपको दिलवाऊंगा जरूर आगे बढ़ो सवाल देखो क्या है मोटो की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का बेटा अनुपात बताना है लो अनुराग ने आंसर भी दे दिया मोटो का बेटा देखो लागत मूल्य पैंतीस हजार पैंतीस हजार है लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अब बताओ अच्छा अब बताओ इसमें कितने समझदार लोग हैं कि बिक्री मूल्य निकालेंगे जरा मैं जरा देख लेता हूं आओ मैं समझदारों का चेहरा देख लू आओ समझदारों का मैं चेहरा देख लू अरे मेरे बाबू भैया सोना जो भी हो बेटा यहां पर कुछ भी आए इनमें से जो नंबर पैतीस हजार को डिवाइड करेगा वही तो आंसर होगा ना मेरे भाई ग्यारह पैंतीस हजार को नहीं डिवाइड करता नौ पैंतीस हजार को नहीं डिवाइड करता तेरह पैंतीस हजार को नहीं डिवाइड करता डिवाइड करता है सर जी तो केवल दस करता है करो आंसर लगाओ मत करो जितना समय बताओगे उतना समय बेटा आगे वाले सवाल में आ जाएगा बोलो बेटा आया कि गया जल्दी बताओ कोई बहुत बड़ा मैथड कोई हैवी मैथड तो आपको हम नहीं दे रहे हैं जितने लोग देख रहे हो बेटा ये नाइंसाफी है देख कितने लोग रहे हो और लाइक कितने लोग कर रहे हो ये भैया बहुत इंसाफी है अगर किसी को नहीं आ रहा बेटा तुम करो कमेंट मैं समझाऊंगा मैंने कैसे किया समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं आएगा तो मैं आपको सवाल समझा दूंगा जल्दी बताओ बाकी मैं बेटा ये सवाल को लगाऊंगा क्लास है ना लगाना भी पड़ेगा सर कॉस्ट प्राइस है पैंतीस हजार ठीक है लागत और बिक्री मूल्य सर पैंतीस हजार में पैंतीस सौ जोड़ दीजिए पैंतीस हजार में सर जी पैंतीस सौ जोड़ दीजिए तो सर ये बिक्री मूल्य आ जाएगा अड़तीस पांच सौ आ जाएगा अड़तीस पांच सौ आ जाएगा सर जी और फिर क्या करेंगे सर दो जीरो इधर से निपटा देंगे और और सर पैंतीस का पहाड़ा पढ़ के काट लो तब भी सही है लेकिन या तो पहले से से कटेगा फिर से कटेगा फिर है ना चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं ये खत्म हो गई आओ बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए एस आई सी आई डी आई टेबलेन में ले आया है ना कुछ कट नहीं रहा खाली निर्देश कट रहा है और कुछ कट नहीं रहा फिर भी मैं थोड़ा सा इसको सरकाए लेता हूं है ना क्या कहते सरकाइल बोर्ड चलो भाई सरकाई लिया सवाल बताइए भाई है चलो भाई क्या है सवाल निम्नलिखित तालिका में एक व्यक्ति का डाटा दिखाया गया है जिसने अपना पैसा अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया है राम राज सैम। और टॉम बेटा राम को दो कब है राज को तीन है सैम को पांच है और टॉम को आठ दी गई राशि का अनुपात है ठीक है एक व्यक्ति के पास कुल राशि बहत्तर हजार है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 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 पैसा अलग अलग जिसमें अपना पैसा ठीक है अब ये क्या कह रहे हैं क्या कह रहे है? राम को दी गई राशि बेटा राम को आपने पहले टोटल कितना दिया है? देख लो सर तीन दो पांच पांच पांच, पांच दस और अठारह और ये अठारह जो है सर वो बहत्तर हजार है अठारह जो है सर जी वो बहत्तर हजार के बराबर है ठीक है अब क्या है सर एक बराबर अठारह चौक बहत्तर गुड्डू बेटा मैं आपके पेपर से एक लेवल आगे चल रहा हूं बस और कुछ भी नहीं है अच्छा तो बेटा राम को सर दो दिया गया है तो सर राम राम है कि राज है राम को दी गई धनराशि पर सर जी दो कर दीजिए तो राम को सर आठ हजार रुपए की धनराशि दी गई ठीक है राम को कितनी दी गई है आठ हजार रुपए की धनराशि राम को दी गई धनराशि पर अर्धवार्षिक अच्छा, राम को सर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट सर जी बीस परसेंट का दिया है कितने पीरियड के लिए टाइम पीरियड इसका एक है बेटा बीस है बीस प्रतिशत है बीस प्रतिशत को जरा करना तो दस दस में बांटोगे बेटा तो जब इसको दस दस में बांटोगे तो कितना आएगा सर दस परसेंट के हिसाब से जो दो बार का जो सीआई होता है सर वो इक्कीस परसेंट होता है कि नहीं होता है बोलो हाँ या ना होता है कि नहीं ये बीस परसेंट बेटा सालाना है और यहां पर इन्होंने अर्धवार्षिक बोला तो पूरे साल में अगर बीस परसेंट होगा तो बेटा आधे साल में दस परसेंट होगा कि नहीं अब आठ हजार का बेटा इक्कीस परसेंट मत निकालो मैं फिर बताऊं सर दो जीरो नीचे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैंने सोचा तो कुछ अलग अलग चीजें भी आपको कराता चलो जिससे आपको कुछ तो आनंद आए आनंद आना बहुत जरूरी है भाई है ना चलो आगे बढ़ते अगला सवाल देख लो बेटा ये सवाल याद रख लेना हम वैल्यू हमेशा अमाउंट की यहां से निकालेंगे आगे सवालों में यूज करेंगे ठीक है क्या दिया गया है देख लेते हैं आगे दिया है गया सर यदि व्यक्ति सैम और टॉम को दी गई कुल राशि राधा को दे दी जाए राधा कहां है राधा तो यहां है नहीं, नहीं ये काम मामला हो गया आधा सैम और टॉम को दी गई कुल राशि राधा को साधारण ब्याज पर 20 परसेंट ब्याज दर पर चार वर्ष के लिए उधार देता है तो उसे कितना लाभ होगा अब वो क्या कह रहा है सैम और टॉम को आपने जो पैसा दिया उसको ना दे करके आप राधा को बीस परसेंट के हिसाब से चार साल के लिए दे दो तो बेटा उसको अस्सी परसेंट मिल जाएगा बोलो हाँ या ना अस्सी परसेंट मिल जाएगा तो बेटा जरा सैम और टॉम को तुमने दिया कितना था यहां देख लेते हैं सर सैम और टॉम को तेरह दिया था पांच और आठ तेरा तो बेटा एक बराबर अगर चार अगर सर जी एक बराबर चार तो तेरा बराबर बेटा बावन हजार हो गया तो सैम और टॉम को ना देकर राधा को दोगे तो राधा इस पर आपको देंगी बेटा अस्सी परसेंट ब्याज साधारण ब्याज है क्यों देखो पे लिखा हुआ है कुछ नहीं करना था सर ऐसे ऐसे जीरो काटना था सर एक जीरो आएगा सर दो जीरो आएगा और सर फिर उसके बाद में क्या आएगा आठ दुन्नी सोलह आएगा आठ दुन्नी सोलह आ जाएगा फिर एक जाएगा आठ चालीस और एक इकतालीस आएगा सर इकतालीस हजार छह सौ आएगा और ऑप्शन में सर जी यहाँ पर केवल इकतालीस हजार दिया गया है है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई आएगा ये बेटा ई तो ऑप्शन में नहीं होता है खैर ई ऑप्शन आ जाएगा एकदम पक्का है राम नरेश किसी को कंफ्यूजन कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या बता दो भाई इकतालीस हजार छह सौ आएगा ना मुझे निकालना पड़ गया देखो डबल जीरो के बाद बेटा अगर छे नहीं आ रहा है तो ऑफ दीजिए हो जाना चाहिए था है ना चलो भाई बढ़िया आगे बढ़ते हैं तेरवा आज डी बेटा मैंने स्टैंडर्ड वाली ली है थोड़ी तुम लोगों की मेहनत तो मैं करवा ही लूंगा आज है ना चलो दिख रही है कोई दिक्कत नहीं आओ क्या है यदि व्यक्ति ने राज और राम को चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार दिया होता तो उसे प्राप्त तो होने वाली कुल राशि राज और राम राज और राम को बेटा अच्छा राम को बेटा जो भी पैसा देता उस पर तो 20 परसेंट मिलता लेकिन राज को जो देगा वो 15 परसेंट वो भी तीन बार के लिए इसके लिए बेटा सीआई अच्छे से आना चाहिए नहीं आती है तो हमारे पास लगभग वाला आंसर तो बेटा है ही है ना और पहले राम और राज का पैसा तो देख लो राम को बेटा राम वाला तो हमें याद है सर राम को दो और राज को तीन राम को दो और राज को तीन एक बराबर सर चार हजार था राम को दिए थे दो और राज को दिए थे तीन तो सर राम को जो पैसा दिया वो दिया सर आठ हजार और सर जो राज को पैसा दिया वो दिया है बारह हजार ठीक कोई दिक्कत नहीं है हमें कहां दिक्कत होती सर जी हम दिक्कत वाला इंसान ही नहीं है समस्या यह है जो आप लोग भी सोच रहे हो और आपके साथ मैं भी सोच रहा हूं पंद्रह प्रतिशत को तीन बार वो भी सीआई में सर जी इतनी ना इंसाफी कोई बात नहीं सर ये गंभीर सह लेंगे आओ अब देखो बेटा आठ हजार पर बीस परसेंट इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं कि सर आठ हजार का बीस परसेंट निकाल लियो खट खट सोलह सौ सो रुपए सर ये हो गए ये किससे मिल गई सर राम से मिल गई यहां पर चक्रवृद्धि नहीं लगा क्योंकि टाइम पीरियड एक था उस पर बीस परसेंट सीधे सीधे मिल गया बचा कौन अब बचे हैं राज सर जी राज बचे हैं सर राज का हम ऐसा क्या करें क्या ही कर दे कि हमारा मामला सर जी बन जाए बेटा जो मैं करूंगा वो आपके काम की चीज होगी ध्यान देना हम यहां पर बेटा सीआई क्योंकि आपके चैप्टर में है नहीं तो मैं ये जानता हूं कि आपको जैसे सीआई नहीं पढ़ाया गया है ना तो अब मैं काम करता हूं परसेंट के हिसाब से देखना तीन बार जाओगे, तो क्या पंद्रह प्लस पंद्रह प्लस पंद्रह पैंतालीस परसेंट तो सर जी पूरा ये हो जाएगा बोलो हाँ और सर पंद्रह पंद्रह हम दो से टू सर जी और आ जाएगा ठीक है और उस 2.25 का 15 लगभग लगभग सर तीन परसेंट और सर जरा 48 परसेंट तो निकालिएगा इसका सर इसका जरा 48 परसेंट तो निकालिएगा है ना ये तो बहुत ज्यादा है। है अच्छा, प्राप्त होने वाली कुल राशि एक, एक यदि टोटल अमाउंट अच्छा तो बीस हजार रुपए तो बेटा ये है ही है प्लस और कितना मिलेगा सर हम यहां से बता रहे हैं जीरो जीरो कर दिया जीरो अड़तालीस दुनिया सर छियानबे होता है बोलो हाँ या ना बिल्कुल होता है सर नौ आया अड़तालीस से कम अड़तालीस और नौ सर सत्तावन सोलह सो सर और जोड़ दीजिए तो आया जीरो छ सात छह तेरह हासिल लगा एक छे और एक सात सर बीस हजार में सात हजार तीन सौ साठ लगभग सत्ताईस हजार तीन सौ साठ का मामला बैठ रहा है सत्ताईस हजार तीन सौ साठ के जस्ट बाद में सर हमारे पास में सत्ताईस हजार आठ सौ पचास रुपए कितने हैं बेटा सत्ताईस हजार आठ सौ पचास रुपए हाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है, है वो आपका सत्ताईस हजार आठ सौ पचास होगा ठीक है थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा समझ लिया जाएगा आपने सीआई तो बेटा पढ़ा नहीं इसलिए मैंने बता दिया क्या ये बात समझ में आ गई अब बेटा आप लोग जानते हो क्या कंफ्यूज हो गए सर पंद्रह के हिसाब से तीन बार का आप अड़तालीस कहां से ले लिए आप लोग यहां पर कंफ्यूज हो गए तो बेटा मैंने क्या सोचा मैंने कहा अगर यह बेटा सीआई होता अगर बेटा यह सीआई होता तो पंद्रह प्लस पंद्रह प्लस पंद्रह पैतालीस परसेंट तो ब्याज हम देते पैतालीस देते अगर यह एसआई SI साधारण ब्याज होता लेकिन है चक्रवृद्धि ब्याज तो पैतालीस से ज्यादा जाएगा अब बेटा 45 से कितना ज्यादा जाएगा कहानी यहां पर फंस रही थी हमने फंसने नहीं दी हमने कहा सर 15 15 के अगर दो बार करते तो 2.25 परसेंट तो एक ज्यादा जाएगा और प्लस सर 15 और है तो अपनी तरफ से मैंने कहा जाओ तुमको पॉइंट सेवन फाइव और दे देते हैं लेकिन ये बेटा मैंने मिनिमम लिया है इससे थोड़ा सा और ज्यादा जाएगा तभी तो मेरा जब सत्ताईस हजार तीन सौ साठ आया मैंने आंसर आपका सत्ताईस हजार आठ सौ पचास लगा दिया इससे बोलते हैं बेटा नियरस्ट आंसर निकालना ठीक है आज की डी सरदर्द करेगी मैं फिर बता दू सरदर्द तो होना है क्योंकि बहुत दिन से तुम लोग डीआई के लिए कह रहे थे ना आधे लोग बेटा अभी साथ भी छोड़ोगे लेकिन यकीन मानो जो लड़ा रहा जो लगा रहेगा इस जंग में वो जरूर जीतेगा इसके बाद एक और और इससे अच्छी डी इसके पीछे लगा है ठीक है यदि व्यक्ति ने सभी को इसीलिए बेटा मैंने ये होमवर्क में नहीं दी मैंने कहा मैं बताऊंगा आपको करने का तरीका यदि व्यक्ति ने सभी को साधारण ब्याज पर पैसा उधार दिया ये ठीक है बेटा साधारण ब्याज पे दिया है कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो अवधि पूरी होने के बाद कौन कम साधारण ब्याज लौटाएगा? अब बेटा सबसे पहले देखो ये दो था ये तीन था ये पांच था ये आठ था देखो बेटा यहां पर देखो पैसा जो था राम राज सैम और टॉम दो तीन पांच के रेशियो में बेटा पैसा लिए हुए थे बिल्कुल लिए हुए थे अब पैसा दो तीन पांच और बेटा एक बराबर चार हजार है सबसे कम पैसा कौन लौटाएगा जरा बता दो ना साधारण सबसे कम किसका बैठेगा सबसे कम सवाल ही नहीं उठता बेटा सबसे कम ये देखो क्या राम से भी कम कोई पैसा लौटाएगा सर जी बीस परसेंट तो लिया है चार ही हजार एक तो पैसा कम ऊपर से पीरियड कम तो राम को तो बेटा तुम लोग लगा ही देते इतनी तो इज्जत रखी लेते राम सबसे कम साधारण ब्याज देगा है ना निकल लिए देखो कुछ लोग मैंने कहा था ना यूट्यूब पर जब तक आसान पढ़ाओ लड़कों को बड़ा मजा आता है और जहां आपने ट्रैक बदला लड़के ने चैनल बदला बदलो भैया हमारा क्या जाता है हम कल भी यही मिलेंगे आप लेकिन चक्कर लगा के बेटा यकीन मानो यहीं आओगे मतलब इसको ईगो पर ना ले लेना बेटा मैं बता रहा हूं ऐसा मैंने देखा है सैम सैम कहां हो अब तो याद हो गया दो तीन पांच आठ ऐसा दिया है पैसा और एक बराबर सर जी चार हजार है क्या है सैम को दी गई राशि टॉम को दी गई राशि के बीच में साधारण ब्याज का अंतर बताना है अच्छा बेटा सैम को सर आपने दिया बीस हजार रुपए और टॉम को दिया है सर बत्तीस हजार रुपए बिल्कुल बढ़िया वाली बात है ठीक है अब साधारण ब्याज सर सैम ने 36 परसेंट बहुत बढ़िया अच्छा बेटा ये ऑप्शन नहीं है ठीक है सैम को दी गई राशि टॉम को दी गई राशि साधारण ब्याज में बेटा आपको अंतर बताना है ऑप्शन इज ना ठीक है ठीक है आओ बेटा ये फ्री का मिल जाएगा अरे मिल जाएगा मिल जाएगा बीस हजार पर छत्तीस परसेंट के हिसाब से बेटा आठ साल का अच्छा यहां पर कैलकुलेशन देखना है हमें हम कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं बेटा उसी तरह बेटा बत्तीस हजार पर पच्चीस परसेंट के हिसाब से छात्र बार का हम बेटा बार कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी हम उसकी बात करेंगे आओ कैलकुलेशन करते हैं जब कुछ ना मिले तो कैलकुलेशन सीख लो सर नीचे से सौ बाहर आ जाएगा हमने कहा बिल्कुल आ जाएगा अच्छा सौ बाहर भी क्यों लेना सर जीरो जीरो यहां काटी दो जाओ सर सौ बाहर भी क्यों लेना अच्छा अब बताइए सर जी सर मेरे हिसाब से आप पच्चीस बाहर ले लो पच्चीस अठे 200 हो जाएगा और सर पच्चीस कट जाएगा कोई बात नहीं बिल्कुल ले सकते हो सर मेरे हिसाब से आप आठ बाहर ले लो मैं कैसे कॉमन ले रहा हूं आप देख लीजिए आठ यहां से कट जाएगा आठ चौक 32 आ जाएगा एक और आठ बाहर ले लेंगे तो सर ये पांच बचेगा अब क्या बचा अब कुछ नहीं बचा सर दो और ले सकते हो बाहर बहुत ज्यादा तो ये अठारह आ जाएगा और ये तीन आ जाएगा अंदर कितना बचा सर अठारह बचा और यहां पंद्रह बचा तो बचा जो पांच पच्चीस अठे सर पच्चीस अठे दो सौ पच्चीस अठे दो सो दो सौ सो अठे सोलह सौ सो, दूनी बत्तीस सौ और गुड़े तीन तो सर जो अंतर है वो छियानबे सौ का आएगा जो अंतर है वो तिया छियानबे सौ का आएगा ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल सही सैम का चौबीस हजार सैम कहां है बेटा सैम बेटा सैम को पांच था ना पांच को अगर चार से गुड़ा करोगे बेटा वो बीस हजार आएगा ना जो रेशियो में था वो दो तीन पांच और आठ था सैम का पांच था तो चार पंच बीस हजार हो जाएगा ना बोलो भाई बोलो भाई कुमार गौरव फैंस बाबू सत्यम सर एमडी क्लासेस पर क्लास लेंगे नौ बजे आप ले लियो यहां पर गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चों को पढ़ लेने दो थोड़ी देर के लिए ठीक है तो नो बेटा मैं यहां पर आपको कैलकुलेशन क्यों दिखा रहा हूं लोग आपको कैलकुले हाँ, मैं कह रहा हूं अगर ऑप्शन नहीं है तो बेटा कैलकुलेशन करने का तरीका देखो यहां पर मैंने कोई रफ कोई रफ वर्क नहीं किया है आप एक चीज देखो आपको मैंने इन दोनों नंबर को डिफरेंस करना सिखाया कि बेटा कैसे कॉमन लेकर के हम कितनी आसान तरीके से अपने कैलकुलेशन को कर सकते हैं आप कैलकुलेशन को सिखाया मैंने यहां पर समझो सवाल कुछ भी हो आप ध्यान दिया करो कि मेथड क्वेश्चन को बेटा कैसे कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं कि कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे नहीं करनी है ये और ये मेथड अगर तुमको आ गया अब क्या है ना बेटा बाकी लोग क्या करेंगे इसको पहले पूरा सॉल्व करेंगे फिर बेटा इसको सॉल्व करेंगे और फिर दोनों को घटाएंगे मैं एक चीज बता रहा हूं इसको ध्यान देना टॉपर्स का बेटा ये मेथड है बाकी दुनिया कैसे भी लगाए है ना क्योंकि सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होना है और कुछ ही लोगों में मेथड दिखेगा ये भी देखो डी आई है बेटा इसमें भी सर दर्द मैं फिर बता दू डीआई मैंने आज कहा ना बहुत दिनों से तुम लोग कह रहे थे कि बड़ी आसान डी ऐसी नहीं आएंगी तो बेटा ऐसी वाली भी आ सकती है तो मैंने कहा ऐसी वाली फॉर्मूला लगेगा इस डी में ऐसे नहीं चलने वाली है है ना अब मैं समझ गया हूं जनसंख्या कम होने वाली है डीआई देखने के बाद में क्या है यस वर्ष 2004 में कंपनी ए और बी द्वारा किए गए व्यय समान थे तो उस वर्ष ही बेटा एक ग्राफ दिया गया है यहां पर दो कंपनी है कंपनी ए जिसमें गोल बना हुआ है ये कंपनी ए जा रही है मैं थोड़ी देर मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा ये है ए ये जो जा रहा है बच्चा ये यहां पर ये है ए इसको मैं यहां पर ए लिख देता हूं ठीक है और दूसरी चीज बेटा जो जा रही है यहां पर मैं और कौन सा कलर ले लू चलो इसको ले लेते हैं और ये जो सर जी जा रहा है ये वाला ये हमारा है बी है ये बी कंपनी है ठीक है ये बेटा इनके परसेंटेज और प्रॉफिट दिए गए हैं जो आपके सामने बड़े अच्छे से मैंने निकाल के रखे हुए हैं परसेंटेज प्रॉफिट का निकलने का फॉर्मूला भी इन्होंने दे ही दिया है कि इनकम माइनस पर... एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर यह फॉर्मूला दिया गया है ठीक है सर अब आपको इसका सवाल करना है मुजीब ने कहा कैन नॉट डिटरमाइंड बच्चा ध्यान रखना जो सवाल करोगे सबसे पहले बात देखना ध्यान से देखो बेटा मैं यहां पर आपके आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि जब डीआई कुछ ऐसी आई तो हमें क्या करना होगा देखना किस साल की बात कर रहे हैं पहले तो सर 2004 की बात कर रहे हैं 2004 में बेटा ए और बी का प्रॉफिट परसेंटेज कितना था जरा बताइएगा सर 2004 में अगर हम देखें तो ए का सर 35 है और बी का 40 है A का सर जी पैंतीस परसेंट है और बी का चालीस परसेंट प्रॉफिट है बात खत्म हो गई ठीक है जो एक्सपेंडिचर हैं ये वाले ये बेटा एक जैसे सामान है तो इनकम का अनुपात बताना है ठीक है अब मैं सवाल के लिए मैंने आगे ले रखा है देखो बेटा प्रॉफिट परसेंटेज का ये जो फॉर्मूला है यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट परसेंटेज जो है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इन टू हंड्रेड देखो बेटा यही लिखी हुई है यही पर तो रखना है बिल्कुल है ए और बी का सर ए और बी का बेटा प्रॉफिट परसेंटेज भी देख लो पैंतीस और चालीस है ए का सर जी पैंतीस है और बी का सर जी चालीस है अगर हम सर ए के लिए करेंगे तो पैतीस बराबर इनकम पता नहीं एक्सपेंडिचर को सर हमने एक्स मान लिया अपॉन एक्स इंटू हंड्रेड तो यहां से सर अगर हम निकालेंगे तो देखिएगा पैतीस एक्स बराबर हंड्रेड इंटू आई माइनस हंड्रेड एक्स तो हंड्रेड एक्स को इधर कर लेंगे तो वन थर्टी फाइव एक्स बराबर हंड्रेड आई बताओ भाई ये आई है. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पैंतीस बेटा परसेंटेज हो गया इनकम को आई लिखा एक्सपेंडिचर को एक्स मान लिया तो ये हमको मिल गया एक तरफ से एक्सपेंडिचर सर इसका आई को आई वन मान लेते हैं ये सर आई वन हो आई ए हो गया ये सर ए का एक्सपेंडिचर हो गया अच्छा बेटा बी का बता दो सर बी के लिए करें जरा देखना बी के लिए फॉर्मूले में सर प्रॉफिट परसेंटेज चालीस बराबर इनकम सर बी की आई बी लिख दिया माइनस एक्सपेंडिचर सर दोनों का बराबर है डिवाइडेड बाई एक्स इंटू हंड्रेड तो बेटा यहां पर आ जाओ तो सर यहां करोगे तो चालीस एक्स बराबर हंड्रेड आई बी माइनस हंड्रेड एक्स ये हंड्रेड एक्स इधर आ जाए सर तो एक्सो चालीस एक्स बराबर हंड्रेड आई बी अब क्या है इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को कर दो डिवाइड भाई दोनों का रेशियो ही तो पूछा है ए और बी की आय का अनुपात तो बेटा एक को दो से डिवाइड करोगे तो एक्सो पैंतीस एक्स बटे एक सौ चालीस एक्स सवाल में कुछ नहीं था सवाल में एक्चुअली में सर जी कुछ नहीं था ये देखो ये ये कट गया एक्स से एक कट गया पांच दुनी दस पांच सत्य पैंतीस पान दुनिया दस पानो अठी चालीस सर सत्ताईस बटे अट्ठाईस आ गया सत्ताइस बटे अट्ठाईस आ गया सर जी सत्ताईस बटे अट्ठाईस ऑप्शन नंबर ए बताओ बेटा क्या मजा आया कि नहीं आया मैथ की थोड़ी एक्सरसाइज करी एक और दो रेशियो से हमने निकाला कि नहीं निकाला बताओ अपने आप को बेटा तैयार करो हर कठिन तैयारी के लिए जबकि कुछ नहीं है बेटा इतनी मैथ कुछ नहीं होती है सवाल बड़ा डिस्क्राइब बोल रहा था कंपनी ए और बी द्वारा किए गए वे समान थे एक्सपेंडिचर एक जैसा रखना है और बेटा परसेंटेज कर करने की जरूरत तो नहीं थी अभी बताओ ये डीआई आ गई ना इस डीआई के अंदर क्या होने वाला है सबको समझ में आ गया एक बार बोलो मजा आया हो तो जिसने नहीं लाइक किया वो कर दो नहीं तो भैया दूसरी क्लास चल रही है ठीक है भैया पक्की बात हो गई अच्छा आगे बढ़ते हैं आगे सवाल करते हैं इसीलिए मैंने इसके लिए एक, एक एक्स्ट्रा ले रखा था कि आप सबको बात समझ में आ जाए फिर से ये देखते हैं कितने लोग करेंगे क्या है देख लो और आसान ढंग से बेटा डीआई को समझ लो ऐसी डीआई पेट में किसी ने नहीं कराई होगी क्या है यदि वर्ष 2007 बेटा 2007 जैसे आया करे ना बिल्कुल तुरंत ये ए हो गया ए हो गया सर चालीस हम तो यहां लिख लेंगे अब दो हजार सात में अब बी सर हो गया पैंतीस तुरंत हमने लिख लिया बात खत्म परसेंटेज प्रॉफिट पहले लिख लो पूछेगा देखा जाएगा यदि वर्ष 2007 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ की राशि 1.5 पॉइंट थी तो उस वर्ष इसका व्यय कितना था आ अब बताओ बेटा इसका व्यय कितना था ये तो बता दोगे ना सिंपल मैथ है है ही काम प्रॉफिट चालीस परसेंट था सर प्रॉफिट था और ये प्रॉफिट सर एक पचास है तो बेटा अगर प्रॉफिट चालीस परसेंट था चालीस परसेंट प्रॉफिट था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी से बताओ तो इसका व्यय कितना था बेटा व्यय में से प्रॉफिट हटाए व्यय में से इनकम में से व्यय हटाते हैं तभी तो प्रॉफिट आता है बोलो हाँ या ना इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तभी तो प्रॉफिट आता है बोलो हां या ना तो हाँ या, या ना वाली कहानी बताओ ठीक है ठीक है अब परसेंटेज का प्रॉफिट आपने बता ही दिया है चलो भाई जल्दी से बताइए मुझे समझ में तो आया आया बी 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया परसेंटेज प्रॉफिट आया तो बेटा हंड्रेड परसेंट इसकी इनकम हो गई होगी हंड्रेड परसेंट कर देते हैं एक लाख पचास हजार डिवाइडेड बाई चालीस इंटू हंड्रेड बोलो बेटा हाँ या ना ये काट दो ये काट दो सर जी ये पच्चीस आ गई ये पच्चीस आ गई अब अब क्या करना है सर इनकम में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा तो 25 देखो एक दो तीन 25 पंचे 125 सौ पच्चीस बारह पच्चीस से कम पच्चीस बारह सैंतीस में से कितना खटना है सर एक लाख पचास हजार माइनस कर दो सर इनकम में से प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा सर ये जो आया है सर ये जो 2.25 के लगभग आया है ये हमारा एक्सपेंडिचर ही तो हो जाएगा थ्री पॉइंट कैसे डी कैसे आया 2.25 के आसपास ही तो आएगा बताओ भाई जल्दी बताओ 2.25 के आसपास ही तो आएगा यदि वर्ष 2007 ले रहे ये द्वारा अर्जित लाभ की राशि बेटा डेढ़ लाख रुपए है तो इस वर्ष कंपनी का व्यय कितना था व्यय कितना था ठीक है अच्छा अगर हम ये तीन लाख पचहत्तर हजार रुपए को इनकम मान ले तीन लाख पचहत्तर हजार यानी कि थ्री पॉइंट सेवन फाइव मान ले तो बेटा एक काम करते हैं चालीस बराबर थ्री पॉइंट सेवन फाइव माइनस एक्स चालीस एक्स

और चौदह छंग चौरासी चौरासी आठ सौ चालीस आएगा बेटा आठ सौ टू पॉइंट नहीं होगा इसमें ठीक है हंड्रेड परसेंट जो आपने निकाला है तीन लाख पचहत्तर हजार रुपए बेटा इनकम होगी ये इनकम होगी हो इसका इसका टू पॉइंट सिक्स फोर आएगा रामनरेश बेटा गलत कर दिया आपने आपने गलत कर दिया बेटा अब देखो इसमें क्या है अब क्योंकि उन्होंने डेसिमल में लिया है तो देखो हमारा इनकम जो है सर यहां पर जो हमारी इंक... क्या हो रहा भाई जो हमारी इनकम है वो थ्री पॉइंट सेवन फाइव लैख हो गई अब जब सर हमारे पास में इनकम आ गई जब सर हमारे पास में इनकम आ गई तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है जल्दी बताओ राम नरेश बेटा हाँ या ना बिल्कुल दिया है ना फॉर्मूला क्या दिया है सर प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया गया था प्रॉफिट परसेंटेज सर चालीस है बराबर इनकम कितनी निकाली हमने सर इनकम हमने थ्री पॉइंट सेवन फाइव निकाली एक्सपेंडिचर निकालना है डिवाइडेड बेटा चाहो तो पहले ही एक से जीरो काट लेते यहां पर तब भी तो आसान आ जाता हाँ कौशिक बेटा तुम्हारा एकदम सही था अच्छी डीआई पढ़ोगे ना तो खुद को सुकून आएगा थोड़ा सा सैंतीस दशमलव पांच माइनस दस एक्स अब बेटा दस एक्स इधर आ जाएगा एक्सपेंडिचर तो जो तुम्हारा आएगा 2.6 दशमलव होगा ऑप्शन नंबर इसीलिए फायदा होता है लेकिन इस सवाल में बेटा ऐसी कोई बात करी नहीं गई है में। अगर इस तरह की कोई बात करी जाती तो हम इसको भी यहां पर करते जरूर ठीक है पक्की बात हो गई बिल्कुल गुड्डू का भी सही था भाई तुम लोग तो बिल्कुल मास्टर आदमी तुमको गलत कैसे कह दें लेकिन इसको जरूर निकालो पहले ये निकालो अच्छा क्या है सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी बी द्वारा अर्जित औसत लाभ अर्जित औसत लाभ कितना था भाई उनचास हो गए लाइक मार दो काम खत्म क्लास का मामला हो गया अर्जित औसत लाभ देख लेते कंपनी बी द्वारा बेटा तो कंपनी बी ये चल रही है नहीं ये है कितनी है सर चालीस है यहां पर आ जाते हैं पैतालीस हो गई फिर से सर चालीस हो गई पैंतीस हो गई तीस हो गई और फिर एकदम से पैतालीस हो गई जोड़ देते दे। हैं पांते पंद्रह के पांच हासी लगा एक पांच चार नौ चार तेरह तीन सोलह तीन उन्नीस और चार तेईस दो सौ पैंतीस बेटा अर्जित लाभ प्रतिशत दो सौ पैंतीस है टोटल डिवाइडेड बाई एक दो तीन चार पांच तो इसको अगर हम करेंगे 235 को बेटा 6 से तो छोटा सा है तो कर ही देते हैं छेत्र अट्ठारह तेरह से आठ गए पांच पांच और छह नवाई चौवन अब तो बेटा वैसे उनतालीस के आसपास जा रहा है बताओ बेटा उनतालीस के आसपास जा रहा है देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है बी ही तो लेना है सभी वर्षों में मिलाकर बी का अर्जित औसत प्रतिशत लाभ कितना है तो सर बी का पहला चालीस है फिर पैतालीस है फिर चालीस है फिर पैतीस है फिर तीस है और फिर सर पैतालीस है पांच तेईस पंद्रह एक रखा पांच चार नौ चार तेरह तीन सोलह तीन उन्नीस चार तेईस दो सौ पैंतीस बेटा उनतालीस दशमलव समथिंग आएगा तो यहां सैतीस आप ले लो मैं बताता हूँ बेटा कैसे ऊपर नीचे आ रहा क्योंकि ये जो डाटा है ना ये देखो ऊपर नौ से मिला हुआ है कहीं बीच में है तो ये बीच की वैल्यू इधर उधर वेरिएट करती है कि जहां हमने यहां पैतालीस लिया है हो सकता है उन्होंने अड़तीस लिया हो जहां हमने पैंतीस लिया है हो सकता है उनका ये बत्तीस हो तो ये बेटा वहां पर वैरी करती है वैल्यू इस वजह से ऐसा होता है ठीक है ठीक है भाई अच्छा समय समाप्ति की घोषणा करी जा रही है तो ये वाला होमवर्क में बेटा नोट कर लो क्वेश्चन नंबर उन्नीस क्वेश्चन नंबर उन्नीस होमवर्क में चला जाएगा आपका और क्वेश्चन नंबर बीस भी आपका बेटा होमवर्क में आ जाएगा ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अपने होमवर्क में करना है थोड़ा सा स्पीडअप बेटा अगली क्लास में करेंगे क्योंकि एटलीस्ट पच्चीस क्वेश्चन जैसे आज मेरे बेटा आखिरी के पांच क्वेश्चन ये रह गए वैसे ये आसान थे ये हम कल की क्लास में यहीं से शुरुआत करेंगे ठीक है बेटा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपनी अगली क्लास में पेट की इसी तरह की धमाकेदार तैयारी के लिए अब मिलेंगे हम कल सुबह आठ बजे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत